सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको ये बॉक्स दिखाया था है कि नहीं है। तो ये है पोको M5 का यहाँ पे स्पेशल रिव्यूअर बॉक्स। एंड आज हम पोको M5 की अनबॉक्सिंग करेंगे, प्लस यहाँ पर मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि पोको M5 एक्चुअल में कैसा है एंड कैसा नहीं है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ एक दो दिन से। एंड मैं सही बताऊँ, आई एम रियली इम्प्रेस। बट इसकी पहले यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं। सो दिस इज अ स्पेशल बॉक्स, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था लेदर फिनिश में आ रहा है एंड इट लुक्स डैम गुड। एंड यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा लॉक दिया है। मेरे को ना काफी वो होती ना तजोरियों वाली फीलिंग, वो आ गई थोड़ी सी। पोको ने काफी अच्छे से प्रेजेंट किया इस बॉक्स को। अगर हम खोलते हैं तो निकलता है खजाना, गिर गया दोबारा से, बट खजाने में निकलता है पोको M5 का रिटेल बॉक्स। एंड प्लस यहाँ पे पोको M5 की यहाँ पे ब्रांडिंग कही गई है, दिस इज द पोको M5 ओरिजिनल बॉक्स। तो ठीक है, ये भी येलो एंड ब्लैक थीम के साथ आया है। पोको के कुछ हम ऐसे बॉक्स देख चुके हैं और यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग, प्लस लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। बट आई हैव द 6GB 128GB वाला वेरिएंट। आई थिंक इसके नीचे वाले वेरिएंट्स भी होंगे। तो यहाँ पे इसको हमने खोल लिया है, अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके ऊपर देखने को मिलता है एक और बॉक्स। सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कागजात, बहुत ही कम कागजात है पोको वालों। और इतना छोटा प्रेम पत्र, एक क्लियर केस, ओके, विच लुक्स वेरी गुड, हीरो प्रोडक्ट, पोको M5, जी हाँ, पन्नी के अंदर लिपटा हुआ। इसको हम खोलते हैं भैया, अभी खोलते हैं। अपनी जरा जिज्ञासा पे कंट्रोल रखिए। यहाँ पे एक USB Type-C की केबल हमें देखने को मिल जाती है स्टैंडर्ड। एंड प्लस यहाँ पे 22.5 वॉट्स का चार्जर देखने को मिल जाता है। बट दिस फोन सपोर्ट्स 18 वॉट की चार्जिंग। सो दिस इज आवर स्मार्टफोन पोको M5। इसको भी ओपन करते हैं। ओह माय गॉड, You are going to love it. Yes, मैंने आपको पहले बोला, you are going to love this smartphone. जरा इस लुक को देखो guys. अभी ना इसके 3 कलर्स के बारे में मेरे को पता चला है, which is going to be this yellow one, Poco yellow बोलते हैं, icy blue होगा I think, जितना मुझे याद है, and also one is power black. So these colors are going to be for you, available रहेंगे। and कितने पे आ रहा है वो तो मैं description में add कर दूंगा, don't worry. but I can say one thing, this device looks superb. मतलब यहाँ पे leathery finish दी है, textured है पूरा, कोई scratches नहीं आने वाले हैं, कुछ नहीं। इवन कि आपको इस फोन के ऊपर कोई केस डालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ ना, जब से मैंने केस डाला ही नहीं है। एंड ऑल्सो इसके ऊपर ये जो पट्टी मिलती है ब्लैक कलर की, पोको की द वो कहते हैं ना, एक पहचान सी बन रही है ये डिजाइन जो है बजट के अंदर। एंड इट लुक्स गुड टू मी। मैं स्पेशली बोलूंगा जो इसका ब्लू कलर है वो आई थिंक डेनम स्टाइल में लगेगा, बट मुझे हमेशा से पोको का येलो कलर जो है बहुत अट्रैक्ट करता है। एंड यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है, देखो बड़े वाले कैमरा राइट पे और जो छोटे वाला कैमरा है वो लेफ्ट साइड पे, एंड राइट साइड पे एक फ्लैश देखने को मिल जाती है। तो यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, 3 कैमरास है। और साथ में आपको बता दूं यहां पे सिंगल फायरिंग स्पीकर मिलता है। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ इस चीज से, क्योंकि पोको के स्टीरियो स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं। बट या अगर इफ यू आर कंसीडर मतलब कंसर्न्ड अबाउट द आईआर ब्लास्टर, वो हमें देखने को मिल जाता है। प्लस आपको दिख गया होगा यहाँ पे हाई रेस के साथ हमारे पास हेडफोन जैक भी देखने को मिल रहा है, प्लस डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइस, रिसेंटली मैंने मीवी के ये डुओपॉड्स F50 का एक रिव्यू किया था, वो आप जाके जरूर से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। बट इसका मैं एक और गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ, तब भी मैंने गिव अवे यहाँ पे अनाउंस किया था, तो वहां भी पार्टिसिपेट करना, यहाँ भी करना, तो कहीं पे तो आपका लक यहाँ पे काम कर जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, ग्लीम का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें जाओ, 2-3 छोटे से स्टेप्स हैं, वो उसको पूरे करो, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर जाओगे एंड जल्दी इसका रिजल्ट हम निकाल देंगे। तो इसमें से मतलब ये वाला ईयरफोन आप में से कोई एक जाना जीत सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज जो कि मैंने मिस किया, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड पे देखने को मिल जाएगा, तो वो आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर जितना मैंने यूज किया बहुत ज्यादा अल्ट्रा फास्ट है। ऑब्वियसली कैपेसिटिव स्कैनर्स बहुत तगड़े होते हैं एंड ये अभी भी बहुत ज्यादा फास्ट है। ओके, कमिंग बैक टू डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले सामने से दिखाई है, तो इसके बारे में बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है द वी नॉच, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको, हाँ जी, वाटर ड्रॉप नॉच का यहाँ पे यूज किया गया है। बट एक चीज बोलूंगा, जो वाटर ड्रॉप नॉच है ना वो काफी ज्यादा छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा आउटडेटेड डिजाइन लगता है, बट यार बजट में ना काम चला सकते हैं हम। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिस्प्ले जो है ना वो काफी खूबसूरत लग रही है। ओवरऑल बेजल्स ऊपर नीचे, ऊपर साइडों के पतले हैं, बट चिन थोड़ी सी आपको मोटी मिल जाती है।
तो ये जो डिस्प्ले का साइज है ये है 6.52 इंचेस का, वाइड वन L1 को सपोर्ट करता है, फुल HD प्लस के साथ आता है, बट दिस इज IPS LCD पैनल और ये आता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। और मैंने जितना इसको ट्राई किया ना, इसकी मुझे ठीक लगी ब्राइटनेस लेवल, ठीक लगा, आउटडोर विजिबिलिटी इज ओके, नॉट द बेस्ट कहूंगा, बट ये डिम बहुत ज्यादा हो जाती है विच इज वेरी गुड फॉर नाइट यूसेज, ये मुझे काफी अच्छा लगा, बट ओके है, काफी सही डिस्प्ले है। मैं एक चीज बोलूं यार, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है 90Hz के साथ, मेरे को UI के अंदर अभी तक कोई बग नहीं लगा, ना ही मुझे कोई ग्लिच दिखा है, सो यहाँ पे लॉन्चर के साथ ये काफ़ी अच्छे सब वर्क कर रहा है। एंड ऑल्सो 240Hz का टच सैम्पल रेट मिल जाता है। सो ओके, लेट मी टॉक अबाउट द मेन हाईलाइट ऑफ दिस स्मार्टफोन जो कि है MediaTek G99। जी हाँ, MediaTek का G सीरीज का नया प्रोसेसर इसके अंदर बंडल करके दिया गया है G99। गाइस ये 6nm की फैब्रिकेशन के ऊपर बना गया है और साथ में ये काफी ज्यादा एफिशिएंट तो है ये, बट पावरफुल भी अभी तक का सबसे ज्यादा है G सीरीज के अंडर। तो यहाँ पर मैंने जितना इसको यूज कर रहा हूँ ना, ये काफी ज्यादा स्मूथ फोन लग रहा है, मेरे को कोई हिकअप्स नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। सो डेली टास्क में तो आपको बहुत एंजॉयमेंट होने वाली है, इनकी सोशल मीडिया में भी काफी अच्छा चलेगा। बट एक और चीज बोलूंगा, मैंने गेमिंग ट्राई करी थी Apex Legends, तो वहां पर ये 40 FPS तक की गेमिंग कर पा रहा है, बट काफी स्मूथली कर पा रहा है। एक और चीज, मैंने BGMI ट्राई नहीं कर पाया हूं और कोई और गेम नहीं मैंने ट्राई करी, COD वगैरह सब मक्खन चल जाएगी, बट द थिंग इज Apex Legends इस वक्त मेरे को सबसे ज्यादा हैवी गेम लगती है, उसमें 40 FPS कंसिस्टेंटली दे रहा है। सो आई थिंक गेमिंग आप कर सकते हो इसके ऊपर काफी डिसेंटली, बट मैं ट्राई करूंगा एक गेमिंग रिव्यू लाने का। जो रैम एंड स्टोरेज का ऑप्शन है ना, वो मेरे पास तो 6GB 128GB का देखने को मिल रहा है, बट आपके पास और भी वेरिएंट्स अवेलेबल होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स डाल दूंगा। प्लस यहाँ पर एक और चीज बताऊं, जो रैम वेरिएंट है ना, रैम टाइप है वो है LPDDR4X और जो स्टोरेज है वो है UFS 2.2। लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिल रहा है, विच इज नाइस थिंग, एंड्रॉयड 12 है इसके अंदर, MIUI 13 का सपोर्ट मिल जाता है। बट एक और चीज बताता हूँ, मेरे को अभी पता नहीं आपको ये फोकस कर रहा होगा पर कि नहीं कर रहा, सिक्योरिटी पैच अगर आप देखोगे ना तो ध्यान से अगस्त का सिक्योरिटी पैच डाल के दिया गया, विच इज लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, अच्छा लगा। फॉर द कैमराज, यहाँ पे हमें एक 50 MP का कैमरा लगाया गया है, ISOCELL JN1 का सेंसर लगा हुआ है, बट साथ में दो नन्ने मुन्ने 2 MP की कैमरा। बट चलो मैं आपको दिखाता हूँ 50 MP के कैमरा के साथ आप कैसी फोटोज खींच सकते हो। गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारे पोगो M5 1080p 30fps तक आप जा सकते हो एंड ऐसे काइंड की आपको वीडियो मिल जाती है। आपको पता चल रहा होगा कितनी अच्छे कलर्स हैं और कितनी अच्छी स्टेबलाइजर है, सारी आपको यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा, है ना। तो मेरे को आप कमेंट्स में बताना स्टेबल हो रही थी वीडियो कि नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं लग पा रहा है स्क्रीन के ऊपर। दिस इज़ द फ्रंट पैनल और ये देखो, ये भी हमारा 1080p 30fps ही है और ऐसी साउंड मिल जाएगी, ऐसी वीडियो मिल जाएगी। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मियों में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, एक लाइक तो बनता है। गाइस इस फोन में ना बैटरी काफ़ी अच्छी लगाई गई है, 5000mAh की बैटरी है, इसको मैं अच्छे से टेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक तो बैटरी काफ़ी लंबी चल रही है, बट मैं इसके बारे में आपको मैं रिव्यू में बात करूंगा कि कितने लंबे तरीके से चल सकती है। प्लस इसमें 18W चार्जिंग का सपोर्ट है, बट 22.5W का यहाँ पर चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। सो ये सारा कुछ है हमारे नए नवेले पोको M5 में। सो गाइज इट्स अ नाइस फोन, बट 4G फोन, ये 5G फोन नहीं है, बट आपको एक काफ़ी अच्छा वाला ऑप्शन मिल रहा है। लेट्स सी, प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया हो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, काफ़ी अग्रेसिव रहेगी, पोको हमेशा प्राइस टू परफॉर्मेंस की यहाँ पे वैल्यू रखता है ऑलवेज, तो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम विद द स्मार्टफोन। बट आप मुझे कॉमेंट्स में बताना पोको M5 आपको ये नया फोन कैसा लगा है एंड क्या आपको ये खरीदने का मन कर रहा है, मेरे को जरूर से कॉमेंट्स में बताएगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना और अपने शामिल करके रखे ख्याल, की स्माइलिंग एंड ऑलवेज, टेक केयर गाइस एंड कीप रोलिंग।